और ये जो सेगमेंट अब होने वाला है ये दुनिया की तारीख में किसी शो में नहीं हुआ है और इसको कहते हैं रैपिड फायर। तेज तेज जवाब देना है कि जब एहसन खान ने आपकी शॉर्ट फिल्म की तो वो हेयर थे कि देर थे? अदनान सिद्दीकी और इमरान अशरफ। एज एन एक्टर इमरान अशरफ, एज ए प्रोड्यूसर अदनान सिद्दीकी। इस पे फिर मैं कहूंगा बहुत आला जी। पहला कौन सा लफ्ज दिमाग में आता है जब मैं ये बोलता हूँ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री रिवाइवल स्टेज में है? ओके, सोशल मीडिया सरदर्द, इफ़त उमर डेयरिंग, ऑनलाइन ट्रोलिंग टॉक्सिक, कैसे रोके? लोग कहते हैं कि वो एक शील्ड बना लेते हैं और आप पढ़ना छोड़ देते हैं, लेकिन पता नहीं, मैं पढ़ती हूँ लेकिन अब वो मुझे उतना अफेक्ट नहीं करती। आप इनको क्या कहती? माँ, मम्मी, अम्मा? अम्मा। अम्मा की एक ऐसी आदत बताएं जिससे आप बहुत तंग हैं कि उफ, एक ही बताना। हाँ है तो बहुत सारी। बहुत मासूम देखो कि आजकल इनको डाइट पे रखा हुआ है तो ये बहुत फूडी हैं और उसकी वजह से इनकी और मेरी बहुत लड़ाई होती है। तो आप चाहती हैं कि थोड़ा सा वेट लॉस की तरफ, वेट लॉस की तरफ जाए, जिसका मकसद आपका सेहत है? बिल्कुल। ओके, वेरी गुड। अम्मा की कोई एक ऐसी आदत बताएं जिसको आप अपनाना चाहती हूँ? पता नहीं अपनाना चाहती हूँ या नहीं, लेकिन वो एक ग्रेट आदत है कि अपनी पूरी जिंदगी बहुत सेल्फलेस रही है। इतनी सेल्फलेस मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं देखा। अभी अपनाना है? आजकल के दौर में मुश्किल है इतना सेल्फलेस होना, तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि नहीं अपना। नहीं? हाँ। बैलेंस कर लें फिर? हाँ, थोड़ा सा सेल्फलेस और थोड़ा सा सेल्फिश भी। मैं हर दफा बोलता हूँ हमारे दोस्त ताहिर मूसा, वो कहते हैं कि इन बिटवीन कर लें। इन बिटवीन कर लें। हाँ। आपका फेवरेट राइटर? खलीलुर्रहमान कमर, उमैरा अहमद, फरा इश्तियाक, अशफाक अहमद? अशफाक अहमद साहब एनी डे, ऑब्वियसली पाइनियर है वो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के। उसके बाद किसको प्लेस करेंगे? उमैर अहमद, फरत इश्तियाक या खलीलुर्रहमान कमर? ओके, फरत इश्तियाक, उमैर अहमद। ठीक है, फिल्म या ड्रामा? फिल्म। क्यों? मुझे लगता है मैंने बचपन से ना सिर्फ फिल्में देखी हैं। लोगों के घर में बुक शेल्फ्स होती है ना, मेरे घर में सीडी और डीवीडीज का एक पूरी अलमारी है, तो हर किस्म की फिल्म मैंने जो है ना वो देख छोड़ी है। तो काइंड ऑफ जिस तरह का फिल्म्स का इन्फ्लुएंस है ना मेरे पे, मुझे लगता है आप ये एक कट मारेंगे ना उसमें से भी कोई फिल्मी जुमला निकल रहा होगा। इट्स इन माय वेन्स। सही। आप बताइए, फिल्म इंडस्ट्री इंडस्ट्री है, कभी बन पाएगी या सिर्फ ख्वाब है? अभी देर है। देर है जी बेटे, मौला जट के बाद भी इतना कोई नोट लगाए तो फिर तो बहुत अच्छी। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा ना। इससे ज्यादा ऑनेस्ट आंसर और कोई नहीं दे सकता ना। इतना पैसा हमें मिले तो हम अब तो छतें फाड़ दे और बच्चा वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत लाइक बच्चा है, बड़ी लाइक उसने बनाई बिलाल ने, मैं बहुत फैन हूँ कि बड़ी बात है। लेकिन ये वही बात हो गई कि अगर आपके पास इतना नोट हो, आपको वो लाइट्स मिले, आपको एक्टर तो हो ही नहीं ना बीच, जेडे साढ़े थे पहले भी ड्रामों में भी काम करते हैं और वैसे भी करते हैं, आप भी सजा देंगे। अगर एक देग पका रहे हैं आप उसमें किशमिश भी डाल दें, काजू भी डाल दें, बादाम भी डाल दें, तो मज़ेदार लगनी लगनी है। वापस आते हैं रैपिड फायर पे, कभी डांट पड़ी? बहुत। किस बात पे? जो पहली चीज याद आए कि वो वाली? कभी चपेड़ नहीं पाई लेकिन डांट तो रोज पड़ती, हाले भी रोज। हाँ, रोज पड़, किसी ना किसी वो टॉपिक मुद्दा बदलता रहता है लेकिन पड़ती है। सबसे ज्यादा कम खाने पे पड़ती है। कम खाने पे? हाँ, मतलब मेरा वो डाइट फूड टाइप वो बनता है तो वो उनको नहीं अच्छा लगता। वो इस उम्र में हम कोठे से छाल मार देते दाने चावल ना।